मम्मी मम्मी आप उसकी बात पे यकीन करिए, मेरी बात पे नहीं। मुझे इस वक्त तुम सिर्फ ये बताओ कि तुमने उसे तलाक दी है या नहीं। मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुमसे पूछ रही हूँ, बताते क्यों नहीं हो कि तुमने उसे तलाक दी थी या नहीं। हाँ गुस्से में दी थी और गुस्से में तलाक नहीं होती। क्यों, कैसे, मतलब कैसे हुआ ये सब? तुम दोनों तो एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करते थे, ये क्या किया तुमने फरदीन? अभी मैं गुस्से में था, अचानक से गुस्सा आ गया था, मैं अपने कंट्रोल में नहीं था। लेकिन तुम्हें दी हुई तलाक तो नहीं होती है ना? तुमने सुना नहीं वो क्या कह रही थी? तलाक दी हो या ना दी हो, वो नहीं रहना चाहती तुम्हारे साथ। क्या बातें कर रही मम्मी, वो मेरे साथ ही रहना चाहती है। She loves you, चाहती है मुझे। भी वो सिर्फ इस वक्त अपनी जिद पे अड़ गई। आप उसका साथ देने की बजाय उसको समझाएं ना। अगर इस तरह से तलाक होने लगती तो आधे शहर की तलाक हो चुकी होती। तुम पागल हो गए हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। बाहर रह रहेगा, यहाँ ऐसा नहीं होता। मम्मी अरे 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 क्या रे भाई, किस बात का शोर है और तुम रो क्यों रही हो? आपके बेटे ने अजमिया को तलाक दे दी। क्या तलाक दे दी? क्या मतलब, क्या बच्चों वाली बात कर रही हो? ठीक कह रही हूँ मैं। डैड अरे प्लीज, मैं जा रही हूँ, अजमिया मेरा वेट कर रही। ये क्या कर दिया, क्या कर दिया तुमने? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। कल तुमने अपनी मर्जी से शादी की थी और आज तुमने तलाक दे दी। सारी गलती मेरी नहीं थी, गलती उसकी थी। मुझे एकदम से गुस्सा आ गया था उसकी हरकतों पे। मैं मेरी नीयत नहीं थी उसको तलाक देने की, लेकिन मेरे मुंह से निकल गया। कोई फायदा नहीं, you're a mad person. किस बात का इतना गुस्सा था? मैं मानता हूँ मुझसे गलती हो गई, लेकिन I'm in love with her. I can't let her go. Please, कोई रास्ता निकाले, मैं उसको नहीं जाने दे सकता। हुआ क्या था बताओ मुझे, बैठो इधर। डैड निकाह के बाद मैं उससे मिलने के लिए गया था और मुझे पता था कि अब निकाह के बाद लड़का और लड़की मिल सकते हैं। Dad, you have to find a way out. Dad, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। I cannot live without her. Please, Dad. ठीक, ठीक है। कुछ करते हैं। अब अगर तुम चाहते हो कि वो बच्ची वापस इस घर में आए, तुम्हें अपनी ज़बान बंद रखनी पड़ेगी, समझे? अब जो मैं कहूँगा, तुमने सिर्फ़ और सिर्फ़ वही करना है।